नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सुधीर आनंद, आपका होस्ट आज के लिए। आज हम बातें करेंगे कुछ अपने बहुत अच्छे से, हमारे गेस्ट आए हुए हैं दो, डॉक्टर आज़ाद कौशिक एंड मिस्टर अरविंद भारद्वाज। उन दोनों से हम लोग बातें करेंगे दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जो ये जो नरसंहार कह रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं नरसंहार ना बोलकर मैं बोलूँगा, जो भी गलतियाँ हुई हैं दोनों ग्रुप से, जो झगड़े हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए हैं और उसको कुछ पॉलिटिकल रंग दिए जा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं रिलीजन के बेस के ऊपर कि ये हिंदुओं ने किया या मुसलमानों ने किया है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आज़ाद कौशिक, आपको नमस्कार, आपका स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर आज़ाद कौशिक यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं एंड साइंटिस्ट हैं। आपने हम लोग वी आर प्राउड ऑफ हैविंग डॉक्टर आज़ाद कौशिक इन आवर प्रोग्राम टुडे। मिस्टर अरविंद भारद्वाज जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विद ICHF इंडो कैनेडियन हारमोनी फोरम, साथ में मीडिया के उसमें इनका बहुत पुराना और बड़ा एक्सपीरियंस भी है। तो इन दोनों सज्जन जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, दे हैव हैड ए गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एज वेल एज दे हैव सीन द वर्ल्ड इन दोज आईज थ्रू दोज लेंसेज विच दे विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस। सबसे पहले मैं क्वेश्चन अरविंद जी से पूछूंगा। अरविंद जी, अभी पीछे जो दिल्ली में इतनी सारी जो लोगों की नाराज़गी की वजह से बहुत सारे झगड़े, लड़ाइयाँ, कुछ पॉलिटिकल भी कह सकते हैं उसको, और ज़्यादातर लोग तो इसको हिंदू मुस्लिम रॉयट्स के नाम से भी दे रहे हैं, जो यहाँ का जो वेस्टर्न मीडिया है दे आर टॉकिंग टोटली डिफरेंटली। सब लोग उसको कह रहे हैं कि ये तो वेस्टर्न मीडिया का कमाल है, हर बार हिंदुस्तान में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हिंदुस्तान को और उनकी करंट गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, और उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हमेशा वो पक्षपात दिखाते हैं अच्छे के साथ। तो मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए सुधीर जी, आपके सवाल इंटरेस्टिंग भी है और इसके दो तीन एस्पेक्ट भी हैं, इसको दो तीन तरह से देखा जा सकता है। पहला तो मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से चीज़ को पकड़ता हूँ कि जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें दो रीज़न है। पहला, उनकी अपनी लाइफस्टाइल है जीने की, और उनको अकॉर्डिंगली नेचुरली उनको कम्युनिटी को देखने का और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक नज़रिया है। दूसरा, जिन न्यूज़पेपर्स या जिन पब्लिकेशंस या जिन टीवी चैनल्स के थ्रू ये चीज़ उठाई जा रही है वर्ल्ड वाइड मीडिया में, वो मोस्टली लेफ्टिस्ट मीडिया है, और आजकल बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं वो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं। आप US ले लीजिए, आप रशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, इवन चाइना, साउथ कोरिया, तो ज़्यादातर राइट विंग। तो ये कॉन्ट्रास्ट तो आपको कंटिन्यूस मिलेगा। तो जो राइटर्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन, तो उनके पास और कोई चारा नहीं होता, तो जैसे ही कुछ भी हल्का सा होता है तो उसको ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। सो मैं वेस्टर्न मीडिया से ज़्यादा, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं होता, बिकॉज वो क्लियरली दिखता है वो बहुत बायस्ड है, तो क्योंकि उनका कोई एनालिसिस नहीं है, उनको इंडिया के लाइफस्टाइल का और इंडिया के बैकग्राउंड की, कोई आप किसी जर्नलिस्ट से जो लिखते हैं आप उनसे बात करो, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो वेस्टर्न मीडिया तो आप उसको तो आप इग्नोर कीजिए। अब रही बात हमारे देश में जो है, वो निसंदेह जो घटनाएं हुई हैं वो अशोभनीय भी हैं और डेमोक्रेसी के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहता है, और स्पेशली जब इकॉनमी आपकी डिप हो तो उस समय इस तरह की घटनाएं और देश की इमेज को ख़राब करती है, नो डाउट। लेकिन ये ज़रूर रहा है कि अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने, उसमें ये रहा है कि जो विपक्ष है, और विपक्ष सामने अलग अलग पार्टियों में है, लेकिन पीछे से ये लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए वो लोग हाथ मिला लेते हैं और किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर नीचे जाने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया इस चीज़ में, और जिसको कहते हैं कि हवन में आहुति देना है, तो अग्नि में और ज़्यादा वो तेल डालता है सोशल मीडिया, अफवाहें फैलती हैं, और हमारे यहाँ दंगों का पुराना इतिहास है, तो उस तरह के लोग उस समय, उन लोगों को मौका मिलता है, तो जो आदमी दंगा करता है और जो दंगा ग्रस्त होता है उसको असली मुद्दे से बहुत कम लेना देना होता है। गरीब आदमी हर जगह मार खाता है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़रूर जल्दी और सीरियसली देखना चाहिए था। लेकिन अगर इसको राजनीतिक रूप से देखें तो गवर्नमेंट ने वेट किया कि इनके असली चेहरे सामने आ जाएँ, और वो आए भी हैं,
तो राजनीतिक रूप से जरूर गवर्नमेंट की ये शायद विन रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा जल्दी हैंडल करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, डॉक्टर आज़ाद कौशिक से भी पूछूंगा, ये जो इनकी आपस की जो पॉलिटिक्स है या जो रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस हैं या जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो शाहीन बाग है, चाहे वो नांगलोई है, या चाहे वो कोई और जगह है दिल्ली की, अल्टीमेटली तो जो लाइफ जो लूज़ की है दोनों पार्टीज़ ने, दोनों ग्रुप्स ने, या ऑन ए ह्यूमन बेसिस ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर, वो तो एक बहुत ही बुरी बात है कि गवर्नमेंट की इतनी फोर्सेस होने के बावजूद, अच्छी गवर्नमेंट होने के बावजूद, उनका पूरा डिटेल, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका पूरा वहाँ पर जिस हिसाब से स्वामित्व है, जितने जिस हिसाब से उन्होंने गवर्नेंस किया हुआ है, उस हिसाब से अगर देखे जाएँ तो इतने लोग जो मरे हैं दिल्ली में, वो तो एक बहुत ही बुरी बात है। जी बिल्कुल, मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब कमेंट करें, मैं सिर्फ एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम लोगों में क्या है कि ये नज़रिया, हम वेस्ट में बैठे हुए लोग हम इसको देखते हैं कि लाइफ की यहाँ वैल्यू है। हमारे यहाँ पर दिन में 10, 12, 15 लोग आप रोज़ाना अखबारों में देखते हैं, कहीं ट्राली पलट गई, कहीं एक्सीडेंट में मारे गए, कहीं कुछ हो गया, तो वहाँ पर ह्यूमन लाइफ की इतनी वैल्यू हमारे उसमें सिस्टम में नहीं रही है। कभी हम इस चीज़ को बोलते नहीं हैं, लेकिन असल में ये है कि वहाँ पर 10, 15, 20 लोग मारे जाते हैं, लेकिन हम लोगों की सुबह की चाय की चुस्की के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, सुधीर जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और अरविंद जी ने आपको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उससे अवगत कराया, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा ज़रा सोचें, हर एक देश का एक अपना इतिहास है, और ये जो भारत में इस तरह के कम्युनल राइट्स जिसको कहते हैं, ये आज से नहीं हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर बड़ा क्लियर कट एक पॉलिसी थी जिसको हम डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते थे उस समय। जी, तो ये एक तरीका था हिंदुओं और मुस्लिमों को डिवाइड करके आप रखो, और उसको डिवाइड रखने के बाद जो है इस तरह से हम अपना राज करते रहे। वो तब से चला, फिर पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के समय आपने देखा जब पाकिस्तान बना कितने हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, कितनी जाने गई। यदि अगर आप मुझसे पूछें इस सारे विश्व के इतिहास में इस प्रकार का लार्जेस्ट माइग्रेशन जिसमें इतने लोग मरे हों, ये कभी भी नहीं हुआ है इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल नहीं हुआ, और इस बारे में कोई भी वेस्टर्न मीडिया या इवन इंडियन मीडिया और कहीं का भी मीडिया इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने ठीक कहा, बिल्कुल। लेकिन दुख की बात ये है कि ये जो लड़ी वहाँ से शुरू हुई, ये आज के भारत में भी चलती आ रही है, और आज की परिस्थिति कुछ वहाँ पर इस तरह की है, जैसा इन्होंने कहा अरविंद जी ने, कि वहाँ किसी की कोई मर गया या जी गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रही है। अगर आप वहाँ देखें, पॉपुलेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, और मैं केवल यूरोप ही नहीं, इंडिया में भी डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है, और वो डेमोग्राफिक इन्वेजन हो गया एक तरफ से, दूसरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, ओनली सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, दोस्त हु कैन सर्वाइव दे विल सर्वाइव, बाकी लोग नहीं सर्वाइव करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वहाँ पर, ये जो पॉपुलेशन, इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, नौकरियाँ नहीं हैं, लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो ये एक बहुत जो है इस तरह की कॉकटेल वहाँ पर बन गई है कि वहाँ पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो लोग खुश नहीं हैं, इस प्रकार की स्थिति है। और ये जो राइट्स जो हुए हैं, ये बेसिकली जो अंडरलाइंग करंट्स हैं सोसाइटी के, राजनीति तो बाद में आती है, लेकिन अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं है, रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं है, और लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, बिजली भी ठीक ढंग से नहीं मिल रही है, तो इस स्थिति में लोगों को कुछ खोने के लिए है नहीं, और वो फिर बाद में जो है, ये एक राजनीति तो एक आड़ है, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड करंट्स हैं उसके कारण ये ऐसा हो। एक चीज़ जो सामने आई थी जब हम लोग, क्योंकि हम न्यूज़ मीडिया से बिलोंग करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम चलती हैं, बहुत कुछ हम बोलते भी नहीं हैं क्योंकि वो चीज़ें बोलने वाली नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ सामने आई थी वो सी ए ए के इफ़ेक्ट, आफ्टर इफ़ेक्ट जो थे, उसमें
शहीन बाग से लेकर जो आई वुड से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जबकि शहीन बाग पूरा साउथ दिल्ली में पड़ता है, वहाँ से लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इवन आई वुड सेड ईस्ट दिल्ली विच इज़ अक्रॉस यमुना रिवर, तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लोग जो कि दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था आई वुड से डराने का या धमकाने का। उन्होंने उसमें स्टोन पेल्टिंग भी किया है, उन्होंने उसमें जो घर में बने हुए पेट्रोल बम्स हैं वो भी फेंके हैं, और बहुत सारे लोगों को तंग भी किया है और रास्ते भी रोके हैं, दुकानें भी जलाई हैं, और बहुत कुछ हुआ है वहाँ पर। तो वो एक स्टार्ट पॉइंट जो था वो CA का जो बिल था उसको लेकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके चलते ये सब काम हुए हैं। तो जब इसके चलते सब काम हुए हैं, कुछ लोग मारे गए, जैसे इंफॉर्मेशन कई लोग, कुछ लोग थे जो वहाँ पर गए थे, इंटेलिजेंस के लोग जो वहाँ कुछ गए थे, पुलिस के लोग जो कुछ वहाँ गए थे, उनमें से भी 2-3 लोगों की डेथ हुई है, जिनको उनको किल किया गया है ब्रूटली, बहुत बुरी तरह से मारा गया है। जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का जो आदमी था मिस्टर शर्मा, उसको 40 या से ज़्यादा बार स्टैब किया गया है, और जो एक कांस्टेबल पुलिस वाले थे उनको हमें किसी ने बताया कि उनको दोनों लातें पकड़ के उनको बीच में से चीर दिया गया है, उनको बेसिकली ब्रूटली उनको, मतलब हम लोग के गूज़बम हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी बातें सुनते हैं। इस जगह पर बैठने के बाद, कनाडा में बैठने के बाद, मीडिया में होने के बाद, हमारे को घूसबम हो जाते हैं जब हम ऐसी बात सुनते हैं। तो जो लोग वहाँ पर, जिन्होंने विटनेस किया, जो लोग वहाँ पर थे, तो नेचुरली उनका रिएक्टिव मोड तो होगा, उन्होंने रिएक्शन तो करना ही है, राइट? चाहे वो कोई भी इंसान है जो ये सब चीज़ें देखता है, डज नॉट मैटर वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन एक पॉलिटिकली उसको एक्टिवेट किया गया, उसको इंस्टिगेट किया गया, उसको इस तरह का रूप दिया गया, उस तरह से उन्होंने उसको मारा, तो उस वजह से तो लोगों का रिएक्शन आना ही है। बट डॉक्टर साहब, आप सिंस अभी आए हैं वहाँ से, आपके इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप कुछ बताएँ, समझाएँ, कुछ एजुकेट करें लोगों को। सुधीर जी, वाकई में इस बात को करते हुए रोंगटे खड़े होते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है जी, और कनाडा में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही कहा है जी, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सही है, यहीं से दिल्ली की वायलेंस की शुरुआत हुई थी जी। फॉल्ट लाइंस हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और हुआ इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। मैं थोड़ा सा एक और बात इस पर आने से पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। एक तरह का जो कुछ समीकरण इस तरह का बन गया, एक तरह की इक्वेशन इस तरह की बन गई उस समय। एक तो वहाँ पर कई चीज़ें इकट्ठी हुई, ये CAA एक्ट का हुआ, आसाम की सिचुएशन हुई, कश्मीर की सिचुएशन हुई, 3 तलाक का हुआ, एक तरफ तो वो चल रहा था, दूसरी तरफ फिर दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे थे, और इलेक्शंस के टाइम पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है भारत में, ये मैं आपको बताऊं, या तो उनकी लैंग्वेज कहिए या एनवायरनमेंट कहिए, वो बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई, और तीसरी चीज़ फॉल्ट लाइन्स तो वहाँ पर थी ही, तो इन सब का कम्बिनेशन हो के, और जैसा आपने बताया कि सबसे जो दुख की बात है, एक पुलिस ऑफिसर या एक इंटेलिजेंस का आदमी तो सबकी रक्षा के लिए जाता है, उसको नहीं लेना कौन किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, किसको नहीं करता है, उसको तो सबको बचाना है, वो उस काम में कर रहे थे। अगर आप, क्या अमेरिका में हम सोच सकते हैं कि किसी कोई कांस्टेबल को या कॉप को मार सकता है, उसको कॉप किलर कोई हो ही नहीं सकता समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। कॉप तो सबका बचाव करता है, अब जब आप बचाव करने वालों को ही मार देंगे तो फिर आपको कौन बचाएगा, ये सवाल उठता है, और यही दिल्ली के अंदर हुआ है। जब लोगों को ये पता चला कि इस तरह की जो है वहाँ पर दुर्घटना हुई है, तो उसका रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन ये हुआ है, और इसको मैं एक, पता नहीं ये सही शब्द है भी या नहीं, मैं इसको ये कहूँगा एक मास इफ़ेक्ट है। और जब मास इफ़ेक्ट इस तरह का होता है, जब सिचुएशन, जब लोग सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं, सरकार जो है मजबूर हो जाती है, तो तब इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये जो मास इफेक्ट है, इसका दिल्ली की जो वायलेंस है, इसका रूट कॉज है जी।
हमने कुछ कुछ पिक्चर्स देखी हैं, कुछ सिचुएशन देखी हैं, कुछ वीडियोस देखे हैं. उसमें जब पुलिस फोर्स आया, इन सब छोटी सब जब शुरुआत हुई, पुलिस फोर्स ने जब एंट्री लिया, उसमें कुछ पुलिस की गाड़ियां थी, एक आधा ट्रक भी था पुलिस के लोगों के साथ. तो वो सब लोग जब आए वहाँ पर सिचुएशन को संभालने के लिए, तो उन पर स्टोन पेल्टिंग की गई, उन पर पेट्रोल बम फेंके गए और उनको किसी ना किसी तरीके से उनको भगाया गया वहाँ से पुलिस फोर्स को. तो उस चीज़ का जैसे आज़ाद डॉक्टर आज़ाद कौशिक ने बोला, उसके रिएक्शंस, काउंटर रिएक्शंस सभी तरह के होते हैं. जब लोगों ने देखा कि जब पुलिस के आदमी लोगों को, पुलिस की फोर्स को इन्होंने भगा दिया या हटा दिया वहाँ से बाय अनमीन्स तरीके से, तो जो लोग थे वो बाहर निकल आए, वो भी उस चीज़ के रिएक्शन में कि अगर पुलिस फोर्स को अगर ये कम्युनिटी तंग करती है, तो हम लोग इनकी, पुलिस की जो हमारे लिए, हमको बचाने के लिए आए थे, उनको हम बचाएंगे. तो उस रिएक्शन से हमने वो पिक्चर्स देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, और उसमें कुछ एक दो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं शामिल जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं उनको वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो उनका रिएक्शन था वो सब चीज़ों को देखने के बाद. तो वो क्या करते अगर वो ऐसी बात नहीं बोलते, तो अपनी पुलिस फोर्स को भी मरने देते. जैसे कुछ एक अधिकारी जो इंटेलिजेंस के थे या पुलिस के कांस्टेबल थे, जैसे वो मरे हैं. तो उस सब चीज़ों को देखते हुए बहुत से अलग अलग विचार हैं. अरविंद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सीए से बात शुरू करते हैं. पहली बात तो ये कि सीए अब एक्ट नहीं रहा, वो बिल हो चुका है, दोनों सदनों से पास है. आपका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकें. आपने जो लोग चुनकर आपकी कम्युनिटी से, आपके शहर से चुनकर जो संसद में पहुँचे हैं, उन लोगों ने वो बिल उसको पास किया है, दोनों सदनों से पास है, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप है, राष्ट्रपति की स्टैंप है उसके ऊपर. लेकिन यहाँ का जो वेस्टर्न मीडिया है, जो दूसरे कंट्रीज है, को आप वेस्टर्न, फिर भी क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में अरविंद जी, बहुत सारे जो जो लोग जर्नलिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन के भी हैं. वो इंडियन ओरिजिन के वो हैं, वो लेफ्ट सर, वो लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, करप्ट माइंड है, वो वही जेएनयू ब्रिगेड है, बार बार छोड़ते हैं, बार बार छेड़ते हैं, बार बार बातें करते हैं. हिंदुस्तान अब 1947 का या 1952 का हिंदुस्तान नहीं है जी. वेस्टर्न मीडिया को अगर उनको लगता है कि, या यहाँ के पॉलिटिशियंस को या जर्नलिस्ट को अगर हिंदुस्तान डिवाइसिव लगता है, इनसिक्योर लगता है, डेमोक्रेटिकली करेक्ट नहीं लगता है, तो भारत के साथ संबंध तोड़ दें, किस लिए जाना है वहां पर? नहीं, संबंध तो उन्होंने तोड़े हुए हैं, लेकिन नहीं तोड़े, तोड़ नहीं सकते, क्रिटिसाइज करते हैं, तोड़ नहीं, क्रिटिसाइज एक फैक्ट है. देखिए, हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो, उसमें उनके मोटिव्स क्या हैं मुझे मालूम नहीं. उनके मोटिव्स बड़े स्पष्ट हैं, पेड लोग हैं और उनका लेफ्ट अलाइन एजेंडा है. लेफ्टवादी मानसिकता, मार्क्सिस्टवादी मानसिकता, लेनिनवादी मानसिकता वो पूरे विश्व से उखड़ चुकी है. अब वो कुछ जगह अपने आधार ढूंढ रहे हैं और उनको कहीं मिलेंगे नहीं. वो नेक्स्ट स्लाइड, अर्बन नेक्स्ट स्लाइड जो माइंडसेट है वो कुछ का वो पूरा पढ़ने वाला नहीं है. मैं सीए पे वापस आता हूं, जहां से इस चीज़ को लिंक करूंगा मैं आपसे. तो सीए जो है उन्होंने, वो तो बिल बन चुका, भारत सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी, वो वापस नहीं होगा किसी भी हालत में. अब असल में बात है रेलेवेंस की. जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही है, माइनॉरिटीज़ पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही है. जो इंडिया है वो सीए, कॉमन सिविल कोड की तरफ, सीए के थ्रू बढ़ रहा है जी. जिस दिन कॉमन सिविल कोड हो गया, आपकी पॉलिटिक्स में आपकी रिलीजन बेस्ड और वो सब कास्टिज्म ख़त्म हो जाएगा जी. वो माइनॉरिटीज़ कभी करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि फिर उनको पूछेगा कौन. जितनी माइनॉरिटीज़ का मतलब माइनॉरिटीज़ के जो लीडर हैं, अब वो उनको भड़काते हैं. लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि 70 साल की डेवलप्ड डेमोक्रेसी है हमारी. हमारे रिक्शा वाले वोटर को भी पता है कि ये लीडर बोल रहा है और ये भड़का रहा है. तो इसलिए अब कुछ पेड लोग हैं जो ये काम करते हैं. वेस्टर्न मीडिया से पूछिए, आप किस वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक महीने से ज़्यादा आप यहाँ पर लेडी, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ तो लोग भूखे मरते हैं बहुत से, इस कंट्री में आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं कि एक महीना जाके सड़क पर बैठ जाएं, या हमारी वाइफ्स बैठ जाएं, या घर की औरतें बैठ जाएं? जो लॉ सोसाइटी है, जो जुडिशल है यहाँ का, या यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है जी, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से देखें, लोगों की रिएक्शन देखें, तो वो तो किसी भी हिसाब से आपको एक दिन के लिए भी किसी भी सड़क पर बैठने नहीं देंगे. आप ये समझ के चलिए कि भारत हर माइनॉरिटी के लिए सबसे सुरक्षित देश है.
इससे सुरक्षित देश कोई नहीं है जहां आपको बोलने की, वहां की सोसाइटी और पॉलिटिकल सेटअप को गाली देने की, वहां की फोर्सेस को मारने की, लिंच करने की, और जो जो मेजॉरिटी है उनको अब्यूज़ करने की आपको आज़ादी दी जाती है। आज़ादी जो मांग रहे हैं, आज़ादी इनसे लेनी है वापस, आज़ादी वहाँ पर चाहिए। और ये राइट विंग मानसिकता अगर वो कहते हैं तो राइट विंग है तो है, इसको मान लेना चाहिए, इसको अब सेफ करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, ठीक है ना। अरविंद जी ने जो अभी कहा, अभी ये कहा इन्होंने, बड़ी अच्छी ये कि जो है बात कही है, ये जो आज़ादी, आज़ादी का शब्द इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए है। अब वहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं बिल्कुल भी, आपके एज ए सिटीजन भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। अब आप अगर अपनी जो फ्रीडम है उसका अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो फॉल्ट लाइंस क्रिएट होंगी, मतलब या तो आप ब्लैकमेल करने दें या हम आपका देश तोड़ देंगे, इस मतलब आपका देश, क्योंकि अपना देश समझते नहीं हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है जो अरविंद जी ने भी बोली है और डॉक्टर आज़ाद जी ने भी बोली है, उसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ। जब बिल सीए बिल पास हुआ दोनों सदन में, पार्लियामेंट में, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी, दोनों जगह पर पास हो गया, तो उस पास होने के बाद ये लोग बाहर आए हैं और बोले हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, लेकिन ये तो बिल उनके लिए है ही नहीं, ये तो बिल तो है उन लोगों के लिए जो कि प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो तीन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आई हैं, उनके सेटलमेंट के लिए ये बिल है, वो भी अमेंडेड बिल है, बिल तो पहले से था, पहले तो ये नहीं थे, बिल नहीं था, ये अमेंडमेंट हुआ उस बिल में, और ये उसके लिए आज़ादी मांग रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये बात, मैं डॉक्टर आज़ाद कौशिक से पूछूंगा ये, अगर वो हमको समझा सके तो। देखिए ये आपने बड़ा ये मुझे भी थोड़ी सी हंसी आती है ये बात, ये आप बिल्कुल से, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वेस्टर्न मीडिया इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए मैंने इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा है इस समय में, और मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये तो रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप एक्ट उन्होंने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का जो सिटीजनशिप जो एक्ट है, जो बिल है इस समय, उसमें भारतीय नागरिकता किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश से, चाहे कोई भी रेस हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए मेरिट की बेसिस पे सिटीजनशिप दी जा सकती है, भारत सरकार उसको दे सकती है। ये जो बिल है ये स्पेसिफिकली सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है, केवल तीन देशों के लिए, जो तीन रिलीजन बेस्ड कंट्रीज़ जो भारत के नेबरहुड में, जो भारत के टुकड़े करके उसको बनाया गया था, और वो जो ये जो बिल है केवल ये, उसमें बल्कि एक समझौता हुआ था नेहरू का, लियाकत का, क्योंकि पार्टीशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, हिंदू मुसलमान एक दूसरे, इंडिया पाकिस्तान से गए, माइग्रेशन हुआ, उसमें ये भी हुआ कि अगर कोई जो गया है अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो वो भारत में आ सकते हैं, ये एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के को एक्चुअली आज तक कभी भी किसी भी पार्टी ने लागू नहीं किया। अब जो सरकार आई उन्होंने लागू किया कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी 2014 से पहले भारत में आ गई हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, अब वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं, अब वो इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं, तो सरकार ने एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एक्ट बनाया है कि भाई इन लोगों को भी एक नागरिक की तरह से रहने का, इनको एक एक ऐसा लाना चाहिए कानून जिससे इनको हम यहाँ का नागरिक बना सकें और हर एक नागरिक अब स्वतंत्रता से इस देश के अंदर रह सके। और वो है, वो चीज ऑलरेडी है, रह सके, जी सके। नहीं, नया कुछ नहीं लेके आई है गवर्नमेंट, ये सब कुछ अमेंडेड है, ये कांग्रेस के लीडर्स ने बोला हुआ है, सरदार पटेल से लेके, नेहरू से लेके, सब लोगों ने बोला है, लेकिन ये है कि अब इनको रिलीजन बेस्ड राइट विंग आरएसएस वो कुछ तीन चार वर्ड पकड़े हुए हैं, वो उसके ऊपर कंटिन्यूस ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुद्दा है नहीं कोई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये सब चीज़ें जो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में हो रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा लेवल पर भी और कुछ डिफरेंट लेवल पर पाकिस्तान में भी हो रही हैं, बांग्लादेश में भी हो रही हैं, हो भी चुकी हैं, उनके बहुत से लीडर्स मारे भी जा चुके हैं इन सब चीज़ों को लेकर, हुए अफगानिस्तान में तो अभी भी हो रही हैं, राइट। तो चाहे वो अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से विड्रॉल कर रही हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो
चीजें हो रही हैं, सर, घटनाएं हो रही हैं, बड़ा हास्यास्पद है। पाकिस्तान थोड़ा हिंदुस्तान को बताएगा कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक कैसे रहने देना चाहिए। नहीं बता जहां सकता पर अपना बुरा हाल है वहां पर 24% से 3% पर माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी वहां आ गई है। वो हमें थोड़ा ज्ञान देंगे। विश्व का कोई देश भारत को दया, करुणा, सर्वधर्म धर्म संभाव या सबके लिए जीना या सर्व वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट ये हमारा दिया हुआ है। हमें ये ज्ञान किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे अभी तो बहुत उनके पॉपुलर सिंगर वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे उनको भारत ने सिटीजनशिप दिया है, राइट? और जो कि सभी के लिए, वो बोलते हैं कि आपने मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं दिया। अरे भैया, मुस्लिम कम्युनिटी को दिया क्या, लिया भी नहीं कुछ उनसे। सर, प्रोसिक्यूशन तो, नहीं है ना उनका, वो तो उनके ऊपर थोड़ा वहाँ पर जुल्म हो रहा है। वो तो लॉ एज इट इज है, वो तो रहेगा सर। वो जुल्म उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि आप मुस्लिम के ऊपर प्रोसिक्यूशन करके उसको मुस्लिम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। या अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं दोबारा से जो मैं बीच में शुरू किया था बोलने के लिए वो मैं, मेरा वो बात पूरा नहीं हो पाया, वो मैं बात पूरा करता हूँ कि ये जो यूजेज है कम्युनिटीज़ का, इन सब लॉज का, इन सब चीज़ों का, जो कि हम लोग इन सभी कंट्रीज़ में करते हैं, हमारे नेता करते हैं, बहुत सारे लोग जो अपोजिशन वो भी करते हैं, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ अंटारियो में। एक हमारे माइनॉरिटी सज्जन हैं, वो भी एक ऐसा ही कुछ लॉ लेकर आने वाले हैं अंटारियो असेंबली में, जो कि अगेन डिवाइड एंड रूल वाली, जो अपने अपनी पॉलिटिक्स के लिए उसको यूज़ करेंगे, अपने गेन के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें कि आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। आम जनता का टैक्स मनी भी यूज़ करवाएंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का जो असेंबली का टाइम है, जो हमारे चुने हुए लोग वहाँ गए उनका टाइम भी ख़राब करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं वो बेसिकली यहाँ पर भी है, इंडिया में भी है और दूसरी कंट्रीज़ में भी है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ों को समझते हैं, इस बात को मानते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग दिल से मानते हैं इस बात को, उसके बावजूद भी वो उठकर खड़े होकर उसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं करते। आज़ाद जी, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, इसका एक सरल आंसर तो मेरे पास नहीं है। देखिए, ये जो चीज़, और इसका मुझे दुख है, थोड़ा सा मुझे ये दुख है कि हम कैनेडा में, हम एक बहुत अच्छा एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा दे स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, तो और एंड दैट टू ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि समहाउ अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये भी डगमगा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर वर्ल्ड में अगर आप देखें, पहले लोगों को कंट्रोल करना बड़ा आसान था, फूड के थ्रू कंट्रोल कर सकते थे, अब सबके पास फूड है, साइंस ने इतनी तरक्की की है, सबके पास फूड है। मेरे ख्याल कूपन देना पड़ेगा। देखिए, अच्छा, सबके पास फूड है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी लिविंग कंडीशंस है, पीपल आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो अब इस प्रकार की स्थिति के अंदर तो हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जहाँ सदुपयोग भी है, वहाँ इसका एक बुरा असर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और बुरा असर ये है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं, राइट? लेकिन उसमें कम से कम उसका ये भी है, अब जैसा इन्होंने लेफ्टिस्ट का वर्ड यूज किया, आप हर चीज को तोड़ की कोई भी बात आप करो, एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है, सेम थिंग मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। आप एक लाइन किसी को बताओ, हर आदमी उसको अपने ढंग से समझेगा। तो सोशल मीडिया का वही हो रहा है। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक तरह का बबाल जो है खड़ा किया जा रहा है, जिसमें कि झूठ ऊपर आ जाता है और सच को छुपा दिया जाता है। तो यही हुआ दिल्ली में भी यही हुआ है और अभी भी हो रहा है। मुझे आशा है कि वो जल्दी बंद हो जाए। अच्छा, कनाडा में भी अनफॉर्चुनेटली, हमारे देश में भी यहाँ पर ये हो रहा है, जो आपने बात कही कि जिस तरह से एक डिविजिव पॉलिटिक्स यहाँ पे इस टाइम जो है क्रिएट की गई है कनाडा के अंदर, जैसा आपने कहा, तो ये जो सारा है सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहें, गलत चीज़ें फैलाई जा रही। और मैं आपको एक और बड़ी आपको बड़ी हैरानी होगी, हमारे कनाडा के पॉलिटिशियंस भी
इनके पास समय नहीं है कोई बिल पढ़ने का जी। मुझे माइकल मूर की याद आती है जी। माइकल मूर ने जब वहाँ कैपिटल हिल में गए और पूछा लोगों से कि आपने ये एक्ट पढ़ा है इस पर वोट डालने से पहले या इसको कुछ करने से पहले, तो किसी ने पढ़ा भी नहीं था जी। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। मुझे याद है कि कुछ ऐसे बिल्स यहाँ हमारी ओंटेरियो की असेंबली में पास हुए हैं पहले, तो हम लोगों से मिले, हम अपने पॉलिटिशियन से मिले, उनको बताया ये बिल आप कैसे पास कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं था, पता भी नहीं था, हमने पूछा कि भाई ये सही है या गलत है, जिन लोगों ने कहा कि सही है तो हमने वोट यस कर दिया। तो हमारी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक बड़ी ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है इस समय कि एक गलत बात को हम एक पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक मीन से उसको पास कर सकते हैं, और ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी डेंजर है। सर देखिए, डेमोक्रेसी यूरोपियन इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अब मॉकरी होती जा रही है। ये इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर तो कमेंट करते हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम कितना फेयर है आपको मालूम है, ठीक है ना? कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होते हैं, किस तरह से वो लोग लड़ते हैं। अब ये जो बिल भी लेकर आ रहे हैं, ये अपने उस एक पर्टिकुलर क्लाउड को, अपना एक वोट बैंक पक्का करने के लिए, इससे कैनेडियंस को कोई फ़ायदा नहीं है। हॉस्पिटल है नहीं, यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं, रोड रेज ज़रूरत से ज़्यादा हैं, हॉकिंग है, क्राइम है, ड्रग्स है, रेजिडेंस नहीं है। पील में ब्रैम्पटन और मिसिसागा दोनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग में टॉप पे आए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया में हो रहा है, आप कितना कैनेडियन टैक्स पेयर मनी, और इसका मतलब आप जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ उनका माइंड करप्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत दुख की बात है। मैं दुख की बात भी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिनको कई बार सोच के दिल घबराता भी है, कई बार हंसी भी आती है। चीज़ें मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसमें अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी एक आपको मिसाल देता हूँ। अमेरिकन पॉपुलेशन जो कनाडा की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 10 times ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली, राइट? जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, वहाँ पर तकरीबन 4,700 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। जी, कोई मैच नहीं है अमेरिका में, कोई मैच नहीं। और कनाडा में सिर्फ 97 है, राइट? अगर 10% का हिसाब भी लगाएं तो 450 तो चाहिए, राइट? और जब एक यूनिवर्सिटी की डिमांड आती है किसी पर्टिकुलर सिटी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रैम्पटन से, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों दूसरी तरफ देखते हैं, फंडिंग नहीं देते हैं, कोई डिटेल नहीं बताते हैं, और साथ में बोलते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी की, जबकि इनको अच्छे से मालूम है कि ब्रैम्पटन इज़ प्रीडोमिनेटेड बाय इंडियन कम्युनिटी, और इंडियन कम्युनिटी में सबसे बड़ी बात फैमिली के लिए होती है बच्चों को पढ़ाना। हर फैमिली, हर इंडियन कम्युनिटी में, मैं इंडियन कम्युनिटी की बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गुजराती हैं कि पंजाबी हैं कि वो कौन है, एक इंडियन कम्युनिटी एज पूरा जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर रहता है, जो कि 70% ब्रैम्पटन में है, उनका सिर्फ और सिर्फ राइट है बच्चों को एजुकेशन देने का। ये जो नेता हैं ये सब बातें करते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्री एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन, ऑल दिस थिंग, राइट ऑफ हेल्थ केयर, ऑल ये जो बातें करते हैं, तो इन बातों पर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि ये जब चीज़ें सारी चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं कर सकते या नहीं करने वाले हो तो आप ये सब बातें क्यों करते हो। और एट द सेम टाइम इस सिस्टम को अब्यूज़ किया जा रहा है, जैसे आज़ाद डॉक्टर आज़ाद कौशिक ने बोला कि एक डेमोक्रेटिक जो डिटेल है उसको कैसे ये चीज़ें चल नहीं रही, उसी सिस्टम को उन्हीं से लेकर हमारे लोग उसको अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर जो आज की डेट में जो बिल लेकर आ रहे हैं अगर वो पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पास नहीं होता तब भी बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो विन-विन सिचुएशन है, उनके तो विन-विन सिचुएशन है। सबसे जो हैरानगी की बात है, जो हिपोक्रेसी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गई है, और दुख की बात है कनाडा में भी आ गई है, तो इसमें हम, मुझे तो नहीं लगता कि, जैसे कि हम एक कभी एक वर्ड यूज किया करते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाली जो सोच है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में भी आ गई है, फर्स्ट वर्ल्ड में भी आ गई है। और ये मेरे विचार से अगर हम इसी तरह से ये चलता रहा तो लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास हट जाएगा। मुझे हैरानी है इस चीज़ को लेकर, मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। हैरानी मुझे ये है कि हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग एथनिक कम्युनिटी से चुनकर आ रहे हैं, वो लोग जो उनके टॉप बॉसेस हैं अपनी डिफरेंट पार्टीज़ में, उन लोगों को इन डिवाइसिव वेज के लिए कन्विंस कराने में सक्सेसफुल हो रहे हैं।
वो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है. देखिए हम तो चलो उससे आए अलार्मिंग है, बट उसमें देखिए इसमें मैंने आपसे अभी पीछे कहा बात की है कि जब हम लोग दिल्ली की बात से शुरू किया बात, तो दिल्ली की बात पे भी बेसिकली क्या, बहुत सारे लोग दे आर नॉट अवेयर क्या हो रहा है. एक छोटा सा ग्रुप एक कॉन्स्पिरेंसी करके कुछ डिटेल बना के कुछ हथियार जमा करके कुछ ईंटें पत्थर कुछ पेट्रोल बम सब ला के कुछ तलवारें कुछ चाकू ला कर वो सोचते हैं कि वो विन कर जाएंगे. ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग एक गलत एजुकेट करके जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी को गलत एजुकेट करते हैं गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं करके अपना उल्लू सीधा करके अपना एक जो लॉ है वो पास करवा लेते हैं और उनके लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाती है. सर आप अब होगा भी क्या उससे? सुधीर जी ये जो आपने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट जी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही. देखिए इस हैरानगी की बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज नॉट बीइंग हर्ट नॉट बीइंग ओके. रियलिटी ये है ये जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को और कैसे हम अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं. हाँ. इनको नहीं पता जो ये आज कर रहे हैं कल उसका उसकी जो कीमत है इनके बच्चों को चुकानी पड़ेगी और ये जब तक हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में हम आगे नहीं बढ़ सकते. नहीं बढ़ सकते. नहीं बिल्कुल सही है. इस चीज़ को लेकर कुछ कंट्रीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज़ें अब जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है वो महसूस करने लगी है. वो खो चुके हैं. हाँ क्योंकि वो बिल्कुल उस जगह पर पहुँच गए हैं ऑफ नो रिटर्न. तो या तो उसको एक्सेप्ट कर लें होल हार्टेडली और अदरवाइज दे हैव टू गिव अप. इंडिया भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है. जी नहीं इंडिया और यूरोप भी और इंडिया भी दोनों की स्थिति एक जैसी. उसमें एक सिचुएशन ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि दिल्ली में इतना कुछ हुआ हिंदू कम्युनिटी ये कर रही है ये वो कर रही है. अरे भाई साहब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ. हिंदू कम्युनिटी तो सोई हुई है वो तो जागी ही नहीं है. उन्होंने तो रिएक्ट ही नहीं किया. वो तो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी की तरह कि उनको उनको लगता है कि हम एक वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो अपने आप सुलटेंगे. अपने को क्या लेना देना. सर मैं यही आप वाली बात सबसे बड़ी बात एस्पेक्ट में बोलता हूँ. यही पॉलिटिकल ग्रुप जो हैं वो भी यही सोचते हैं चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों कि वो छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली में जिसमें 60-70 लोग मर गए हैं या 40 लोग मर गए हैं. मैं आपकी इसी चीज को कनेडियन एस्पेक्ट में बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं 542 चुने हुए सांसद हैं वर्ल्ड की चौथे नंबर की फोर्स है वहाँ के ऊपर. आपको कनेडियन एमपीपीज की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना आपकी सलाह की आवश्यकता है. आप यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करें आप यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो वही बहुत है. देखिए सुधीर जी ये जो जैसा कहा अरविंद जी मैं एक और इसको दूसरे ढंग से कहना चाहूँगा. देखिए वर्ल्ड की आप सिचुएशन भी देखिए इस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है क्योंकि अब ऐसा समय अब ये एक ऐसा समय आ गया है कि अमेरिका में क्या होता है या ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है उसका सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है. बिल्कुल पड़ता है. राइट. अब चिली हांगकांग दिल्ली में CAA की प्रोटेस्ट मतलब आप ये देखिए कि सब जगह थोड़ा सा सोशल थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी अनरेस्ट एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो गया है और इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो ग्लोबलाइजेशन का है मैं आपको बताऊं. और ग्लोबलाइजेशन में कुछ कंट्रीज ऊपर चले गए हैं लेकिन मेजोरिटी जो कंट्री हैं वर्ल्ड के वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं और अब लोगों की ये स्थिति है उनके पास कुछ है ही नहीं. और उन देशों में भी मैं आपको भारत का भी मैं बताऊँगा रिच और पुअर में गैप इतना ज्यादा वाइडन हो चुका widen है कि अब जो नीचे जो लोग हैं उनको कोई आशा की किरण नजर नहीं आती और उनके सपने पूरे हैं. वो टीवी देखते हैं इंटरनेट पर देखते हैं कि दुनिया इस ढंग से रह रही है हम भी ऐसे रहे हम भी ऐसे रहेंगे लेकिन वो नहीं रह सकते. ना उनका साफ पानी है ना उनके पास साफ हवा है ना कोई अच्छी रहने की कंडीशन है. जब एक ऐसी स्थिति आती है जब लोगों को कुछ लूज करने के लिए नहीं है तो वो सड़क पर आ जाते हैं. तो ये जो एक इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का जो एस्पेक्ट है ये भी मेजर रोल नहीं नहीं सोशो इकोनॉमिक पावर जो है वो तो डेफिनेटली डज डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर और पीपल्स बिहेवियर डेमोक्रेसी में भी और अदरवाइज भी. बहुत सारी जगह हमने देखा है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं भी है कंट्रीज़ में वहाँ पर भी लोग सड़कों पर उतर आए थे बिकॉज ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से. ये सब चीज़ें मानते हैं वो कहते हैं कि इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हैं पिछले 70 सालों में. जो छोटी कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में उनको बहुत प्रिविलेजेस मिली हैं थ्रू कांग्रेस रिजीम एंड अदर रिजीम्स ने भी उनको दिया है चाहे वो वेरियस पार्ट ऑफ द सिटीज़ हों वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ हों. तो इसी वजह से वो जो वो सेटल हुए नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली में
उस स्पेसिफिक कम्युनिटी, तो उसमें जो हिंदू कम्युनिटी थी या सिख कम्युनिटी थी, दे बिकम माइनॉरिटी. तो व्हेन दे बिकम माइनॉरिटी तो उन्होंने अपना पावर दिखाया है, उसकी वजह से जब रिएक्शन हुआ है तो इन लोगों को, उसकी वजह से बहुत से वेस्टर्न मीडिया को तकलीफ हुई है, उसमें हमारे कैनेडियन मीडिया भी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को प्लीज़ करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, यहाँ कनाडा में भी उन लोगों को भी तकलीफ़ हुई है. तो ये सब तकलीफ़ें हैं इन लोगों की, इन सारों की बातों की. ये मीडिया कश्मीरी एग्जोडस के ऊपर बात नहीं करता, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. हाँ, ये लोग वो नहीं बात करेंगे. हाँ. गोधरा में 59 लोग हिंदू जो हैं वो जला दिए गए थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. पंजाब में हिंदू कत्लेआम कर दिए गए थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो ठीक है, इनको सूट करता है तो ठीक है. इंडिया को जरूरत भी नहीं है इस मीडिया की, और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता. सुधीर जी, मैं एक और बात कहूँगा, मैं एक और बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये केवल जैसा आपने कहा कांग्रेस 70 साल पिछले जो हुआ, मैं आपको ये कहूँगा, ये जो अभी भी जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये इस समय माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है. जी, मैं अभी गोवा केरला वहाँ मैंने देखा जाकर, वहाँ पर इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, सरकार उनको पूरी सहूलियत दे रही है. जी. इसी तरह से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, चाहे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों, मोदी जी की सरकार सारी माइनॉरिटीज़ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है. और ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा एक बार के इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ टेकिंग मिलियंस आउट ऑफ पावर्टी. तो इसमें कोई शक नहीं है, भारत में मोदी सरकार ने पावर्टी रिडक्शन किया है, लेकिन लोगों की इच्छाएं भी साथ के साथ बहुत बढ़ गई हैं. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो माइनॉरिटीज़ जितनी सुखी भारत में हैं, इतनी शायद कहीं कहीं भी नहीं है, कोई शक नहीं है उनको. और इनके जो नेता है ना, ना तो उनको टैक्स भरना है, नहीं सर, देखिए ना उनको किसी चीज का रिपोर्ट करना है, फ्रीबीज उनको मिल रही है. इनके नेता जो हैं वो इन लोगों को नीचे खींच रहे हैं, और प्रेजेंट गवर्नमेंट इनको उस हालातों से निकालने की कोशिश में है. आप कहते हैं आधार कार्ड हम नहीं बनवाएंगे, बैंक खाता हम नहीं खुलवाएंगे, तलाक जैसी, तीन तलाक जैसी चीज़ को हम नहीं मानेंगे, रोड रेज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है ना. और सीए को नहीं, आपको सीए से क्या, पाकिस्तान मुस्लिम की, पाकिस्तानी मुस्लिम की चिंता आप क्यों करें, वो पाकिस्तान करें कर लेगा आप. देखिए अरविंद जी, आपने जो बात करनी पड़ी, अब आपकी एक मॉडर्न इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, तो आपके पास अपनी पॉपुलेशन की पूरी सेंसस होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं टू बेनिफिट द पॉपुलेशन उनको किस तरह से डिजाइन करें. जब आपको यही नहीं पता आपके देश में कितने लोग हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे. और दूसरी बात, आपके पड़ोस में जो और देश हैं, सबके पास सिटीजनशिप कार्ड है. भारत ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई सिटीजनशिप कार्ड है जी? जी नहीं है. आप कैसे उस देश को आगे ले जा सकते हैं, कैसे उस देश की तरक्की हो सकती है? हमारा घर है, हम काउंट कर रहे हैं उसमें कितने आदमी रहते हैं, इसमें बुरा क्या है? अगर मेरा घर है, मुझे मालूम मेरे घर में 6 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, उसी हिसाब से मैं राशन लेके आऊँगा, उसी हिसाब से मैं घर के कमरे बनाऊंगा, उसी हिसाब से मोबाइल कनेक्शन. बहुत अच्छी बात. क्या दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पर है. आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमान निकाल दिए जाएंगे, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल. मूर्खता. दिक्कत यहाँ पर है कि जो 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 प्रीवियस गवर्नमेंट्स वहाँ पर रही हैं, जो इसमें अभी कुछ स्टेट में कुछ करंट गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो सभी जो लोग हैं उनको पहचान पत्र दे दें, आइडेंटिफिकेशन दे दें, तो उनको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं. यहाँ तो टीचर्स की सैलरी दी जाती है जबकि टीचर्स की भर्ती भी नहीं हुई. तो करप्शन जो है वो एक मेन मनी जिसको वो नहीं चाहते खत्म हो, एक वो भी बहुत बड़ा रीजन. देखिए देखिए, ये आपने जो करप्शन की बात कही है ना सुधीर जी, ये ही सबसे बड़ी समस्या है उस देश में. एक तो वहाँ रिजर्वेशन कोटा एक तरफ तो ये हो गया है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें कर दी गई हैं जिससे कि जो है समाज ना अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सके, देश अपने पाँव पर खड़ा हो ही नहीं सके. एक मीडियोक्रिटी सिस्टम में आ गई है, ना एजुकेशन है, ना आपके पास मॉडर्न एजुकेशन है, तो आप कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे अपना देश या समाज आप सर, जब आप लिख देते हैं कि ये हिंदू है, ये हरिजन है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, आप वहीं से ही डिवाइसिवनेस शुरू कर देते हैं. जब कॉमन सिविल कोड में हर आदमी भारतीय होगा तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी. बिल्कुल सही कहा.
इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा अरविंद जी। साथ में इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि यही चीज़ स्टैट कनाडा भी कर रही है, वो आपको रिलीजन और लैंग्वेज बेस पर डिवाइड कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जब बात करते हैं वो बात ही नहीं करते आप किस कंट्री से आए हो, बोलते आपकी मदर टंग क्या है, और मदर टंग की बेस पर वो उसको सबको अलग कर देती है कि ये इंडियन नहीं बोलते उनको, ये पंजाबी हो गए, ये गुजराती हो गए, ये कुछ इन और चीज़ों का यूज अच्छे चीज़ के लिए किया जाए तो डेटा अच्छे, लेकिन इन चीज़ों का यूज़ आप पॉलिटिकली डिवाइसिवनेस के लिए करेंगे, इसीलिए हेड काउंट के लिए करेंगे, तो वो गलत। तो वो चीज़ें, वो जो हम चीज़ें लेकर आए हैं, जो छोड़ना चाहते थे इंडिया में, जो सब पुरानी चीज़ों को, जो जिन बातों को हम अच्छा नहीं मानते थे, उनको छोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते थे, डेवलप्ड उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से पॉलिटिकल एस्पेक्ट सीख रहे हैं। समस्या यही है सुधीर जी, अरविंद जी, समस्या यही है कि हर एक चीज को टू एस वर्ड है, आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं या नेगेटिवली यूज करें। पर दुख की बात ये, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और ये जो जिस तरह की राजनीति अब चल रही है उसमें ये है कि हम जो है इसको नेगेटिवली ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पॉजिटिवली यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं अब कंक्लूजन में चलूँगा और आपसे दोनों से एक एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने बात शुरू की थी, क्यों, कैसे, कहाँ, कब ये चीज़ें बदल सकती हैं, उसके बारे में आप बताएं। डॉक्टर साहब को मैं अंतिम जो क्या कहते हैं फाइनल स्टेटमेंट के लिए मैं रखता हूँ, इसलिए मैं पहले मैं बोल देता हूँ। देखिए, दो बातें हैं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि भारत बहुत विशाल देश है और बहुत पुराना इतिहास है, और इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बड़ा संभाव रहा है, सब मिलजुल के रहे हैं, कल्चर बड़ा गंगा जमनी तहजीब है, दिस एंड दैट। कोई भी, और हमारे सभी जो ऋषि मुनि संत फकीर जो भी हैं, सब ने इंक्लूसिवनेस का पाठ दिया है, तो हमें ये पाठ वेस्ट से सीखने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, और कोई हमें सिखाए भी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें क्रिश्चियनिटी से लेके इस्लाम से लेके सब भारत में आए भी हैं, पनपे भी हैं और रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, और पॉसिबल नहीं है, जो पहली चीज़ जो है। दूसरी चीज़ ये है जो, और वहाँ पर पूरा जुडिशरी और पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो वहाँ की समस्याओं को वहीं के सिख, वहीं के ईसाई, वहीं के क्रिश्चियन, वहीं के मुस्लिम, वहीं के हिंदू संभाल लेंगे। बहुत कैपेबल भी है, बहुत कैपेबल भी है संभालने के लिए, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पर आके इन कंट्रीज को संभाल सकते हैं तो वो अपना कंट्री संभालें, पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों को वेस्टर्न चश्मा पहन के हिंदुस्तान के हालातों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। वो 140 करोड़ का मुल्क है, वहाँ की समस्याएँ अलग हैं। आप यहाँ पर इतनी सी कम्युनिटी को संभाल नहीं सकते हैं, आप उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं, पर उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया में एक 50 साल पुरानी चीज़ के ऊपर आप यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स ला रहे हैं। उसमें ये उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, आपका कंक्लूजन, बस ये मेरा कंक्लूजन है, फिर भी मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो बहुत से जो यंग बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए हैं या बड़े हैं हमारी ही कम्युनिटी से, इंडो कैनेडियन कम्युनिटी से, जिन्होंने अपनी इंस्पायर किए हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सब के लिए तो हिंदुस्तान एक फॉरेन कंट्री है, उनको तो मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान क्या जगह है, उनको ना उसके बारे में पॉलिटिक्स के बारे में पता है, ना कल्चर के बारे में पता है, नहीं, पर जो उनको बताया जा रहा है वो उनका करप्ट माइंड से बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है तो फिर तो अंकल पॉलिटिक्स हो गई ना, वो फिर उसको तो हम अंकल पॉलिटिक्स बोलेंगे। तो अंकल पॉलिटिक्स अगर चल रही है तो अंकल ने, चाचा ने ही जब सब कुछ बताना है कि बेटा ऐसा था या ऐसा नहीं था, तो हम तो फिर गलत बात बोल रहे हैं, फिर तो हमको ऐसे कैंडिडेट भी नहीं चाहिए। और जैसे पाकिस्तान के शुरू के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू तुम्हारा शुरू से ही दुश्मन है, वो बाहर निकल के जो ग्लोबल जो स्टूडेंट हो जाता है पाकिस्तान का, वो कहता है यार ये सब कुछ तो, ये तो कुछ अलग ही है। हाँ, तो वो हम उन सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अंकल पॉलिटिक्स से दूर रहें, आप अपना चश्मा खुद का पहने, आप कैनेडियंस के लिए आप काम खुद करें, देखें, आप अपना विजन देखें, आप और आप यहाँ पर कैनेडियन पॉलिटिक्स में हैं तो कैनेडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से कनाडा के पॉपुलेशन के बारे में सोचें, आप उसके लिए काम करें, उसी के लिए वक्त नहीं है आपके पास। आजाद जी, बहुत अच्छी बात कही है अरविंद जी, सुधीर जी, आप दोनों ने। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो ऑप्टिक्स है हमारी, जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, हमारा जो यहाँ का जो वेस्टर्न नज़रिया है वो भारत में अप्लाई नहीं करता है, वो एक पुरानी सभ्यता है। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा, एक्चुअली आपको हो सके तो मुझे क्रिटिसाइज़ करने की आप कोशिश करें, दुनिया का पहला मल्टीकल्चरल कंट्री जिसमें सारी रेसेस, सारे रिलीजन्स,
बिल्कुल, वो भारत में हुए जी। भारत ने तो मल्टी कल्चरलिज्म जो कि हमारा जो कनाडा का आइडियल है जिसको हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उसकी उपज ही भारत में हुई है जी। तो जब सदियों से हजारों सालों से सभी लोग इकट्ठे रह सकते थे तो आज ऐसा क्या बदल गया कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते और आज ये एक तरह की फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दी गई हैं। इसका केवल कारण यही है, एक गंदी राजनीति, गंदी सोच। हमें अपनी सभ्यता के अंदर झांक के आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत आपका दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। सभी देखने वालों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ और साथ में प्रॉमिस करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।